Allahu Akbar! गाजा में हमास लड़ाके इजरायली फौज पर काले बादलों की तरह मंडरा रहे हैं। गाजा के हर डगर पर इजरायली बल फूक फूक के कदम रख रहे हैं। उनके चेहरों पर हर वक्त, हर चौराहे और हर मोड़ पर मौत का खौफ दिख रहा है। हमास लड़ाकों के आग उगलते हथियारों से इजरायली बलों का गाजा ऑपरेशन टेढ़ी खीर बन गया है। गोलियों की तड़तड़ाहट, बारूद की गूंज और मिसाइल हमलों से गाजा तबाह हो गया है, जहां से लड़ाके अब इजरायली बलों का चुन चुन कर शिकार कर रहे हैं। एक बार फिर फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने 17 अक्टूबर 2024 को गाजा में इजरायली सेना पर हमला किया। हमास की अल कसम ब्रिगेड ने दक्षिणी पड़ोस ताल अल हवा में 2 इजरायली सैन्य वाहनों में 2 IED ब्लास्ट किए। भीषण विस्फोट के बाद ब्रिगेड ने साइट पर मौजूद इजरायली सैनिकों को ऑटोमेटिक हथियारों से घेरा। ब्रिगेड ने बताया कि हमले के बाद इजरायली सैन्य बचाव हेलीकॉप्टर घायल सैनिकों को रेस्क्यू करते हुए देखा गया। दरअसल IDF पिछले कुछ समय से नेटजारिम एक्सिस के उत्तर में कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। इजरायली सैन्य कमांड ने बताया कि 16वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की बटालियन के एक रिजर्व अधिकारी और प्रशासनिक सहायता कंपनी के कमांडर की मौत हो गई। IDF ने खुलासा किया कि शनिवार को मध्य गाजा में एक सड़क किनारे IED से 2 इजरायली रिजर्विस्ट मारे गए। मारे गए सैनिकों में से एक का नाम मेजर योतम इज़ाक पेलेट था, जो एक लॉजिस्टिक अधिकारी था। वहीं दूसरा सैनिक मेजर जोसेफ बेन शोम था, जो एक ट्रक ड्राइवर था। दोनों ने जेरूसलम ब्रिगेड की 8119वीं बटालियन में काम किया था। पेलेट गाजा के दक्षिणी जिटोन पड़ोस में सैनिकों को उपकरण की सप्लाई करने के लिए काफिले की कमान संभाल रहा था, जबकि बेनशोम ड्राइवरों में से एक था। 2 सैनिकों की मौत से गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान में मारे गए इजरायली सैनिकों की संख्या 334 हो गई है। इजरायली फोर्स ने अपने एक और बयान में बताया कि मध्य गाजा में नेटजारिम कॉरिडोर के साथ ड्राइव के दौरान सड़क किनारे एक बम विस्फोट हुआ। इसमें 2 रिजर्विस्ट मारे गए और अन्य घायल हो गए। IDF की प्रारंभिक जांच और आतंकी समूह के एक बयान के अनुसार बम लगाने वाले हमास लड़ाकों ने भागने से पहले काफिले में सैनिकों पर गोलियां भी चलाई थी। इस बीच इजरायली सेना ने मध्य गाजा के मगाची इलाके में फिलिस्तीनियों को खाली करने और इसराइल की ओर से नामित मानवी इलाके में जाने का आह्वान किया। इजरायली सेना ने कहा कि हाल के रॉकेट हमलों के बाद सेना इलाके में हमास के खिलाफ जबरन कार्रवाई करेगी। IDF ने पहले इस साल की शुरुआत में मगाची में जमीनी बलों के साथ काम किया था। पिछले दिनों गाजा में ऑपरेशन में दर्जनों बंदूकधारी मारे गए, क्योंकि इजरायली बलों ने खान यूनिस में अपने ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों और ड्रोनों ने गाजा में 40 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इसमें हमास की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली इमारतें, हथियार डिपो और एक लॉन्चर शामिल था। ऐसा दावा है कि इसराइल के हालिया दावे पर भड़के प्रतिरोध ने भी अपने हमलों को तेज कर दिया है। इस कड़ी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अल कुदस ब्रिगेड ने शनिवार को गाजा लिफाफा में रीम सैन्य स्थल पर रॉकेट हमला किया। लड़ाकों ने दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के उत्तरी इलाके पर हमला करने वाले इसराइली बलों को अपना शिकार बनाया। साथ ही पूर्वी गाजा में पहले से लगाए गए उच्च विस्फोटक IED से अल जायतोन पड़ोस में एक इजरायली सैन्य वाहन को ब्लास्ट से उड़ा दिया। बताया जाता है कि कई अन्य फिलिस्तीनी प्रतिरोध गुटों ने भी गाजा में इजरायली सैन्य पर मोर्टार और रॉकेट हमले शुरू किए। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने रफा के पश्चिम में ताल जोरे में इजरायली बलों के ठिकानों पर बड़े कैलिबर मोर्टार गोले दागे। वहीं अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने हसीब रॉकेटों से नटजारिम एक्सिस में इजरायली सेनाओं पर भीषण गोलीबारी की। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने 107 mm रॉकेट और मोर्टार गोले के साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर पर हमला किया। अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड ने भी 107 mm रॉकेट के साथ कब्जे वाले बलों पर गोलाबारी की।